एक्शन। आसिफ भाई, कभी कभी तो लगता है अपनी जान दे दूं। निधि के घर छोड़ जाने के बाद तो घर काटने को दौड़ता है यार। राहुल, ये जो तुम्हारी नशे की आदत है ना, इससे तुम्हारी ये स्थिति की हुई है यार। इसी वजह से निधि तुम्हें छोड़ के गई है। जब जानते हो कि इतनी नुकसान दे तो छोड़ क्यों नहीं देते यार? कोशिश तो करता हूँ लेकिन। क्या कर रहे हो, नींबू पे पेड़ पड़ जाता कहाँ? अरे नींबू ही है, लैंडमाइन थोड़ी है जो पेड़ पड़ते ही धमाका हो जाएगा। धमाके की बात की, धमाके का फोन आ गया। हेलो, हाँ बेगम। हाँ बेगम, अरे मैं ले आऊंगा, मैं केरिया हूँ, मैं सब ले आऊंगा। बेगम क्या लौकी कद्दू और बताओ आप क्या कद्दू मतलब भुट्टे लेके आए? नींबू लगा के? नींबू तो मिला था, चलो लेके आते, देखते हैं अभी। बेगम देखते हैं। आसिफ भाई आ जाइए, वरना मैं नींबू को लांग जाऊंगा। मैं बोल रहा हूँ आपसे, आ जाइए आप जल्दी से। नहीं आ रहा ना आप? क्या गजब कर दिया मियां, अब ये टोटका लपेट लेगा तुमको। अब क्या होगा, मैं इच्छाधारी नागिन बन जाऊंगा? नहीं था, नागिन का तो बजट नहीं है अपना, मगर लोगों से ये जरूर सुना है कि जो भी इस टोटके में अटका 24 घंटे में उसकी मौत हो जाती है और उसकी जो आत्मा है ना इसी नींबू के अंदर कैद हो जाती है। अच्छा, तो कोई तो तोड़ होगा इसका। यार सुना है कि अगर कोई 24 घंटे के अंदर तुम्हारी जगह इसको लांग गया ना तो टोटका उतर के उस पे आ जाएगा। आसिफ भाई यार, अब मैं और नहीं बैठ सकता, अब मुझे जाना है क्योंकि मुझे दुकान भी ओपन करना है यार बस। हाँ यार राहुल, उठते हैं, अगर कोई दिक्कत हो ना बताना तुम मुझको। ओके
मरोगे तभी मुझे मुक्ति मिलेगी। तुम 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 मरोगे तभी मुझे मुक्ति मिलेगी। मरोगे तभी मुझे मुक्ति मिलेगी। तुम मरोगे तभी मुझे मुक्ति मिलेगी। तुम मरोगे तभी मुझे मुक्ति मिलेगी। तभी मुझे मुक्ति मिलेगी। तुम मरोगे तभी मुझे मुक्ति मिलेगी। तुम मरोगे। अरे यार ये कौन सा माल दे दिया तूने? साला कहीं का कहीं पहुंचे जा रहा हूँ मैं। लगता है तो दस्तों पर नोलन वाला डोज दे दिया। अरे वो तो बहुत महंगा है, बदल के अपना सस्ता वाला माल ले जा। हाँ अपन को चाहिए भी नहीं यार ये तेरा महंगा वाला माल, अपन को तो मेरा वाला माल दे। साला इसने तो दिमाग में मेरे दस्त लगा दिए यार। आ जाओ अड्डे पर ही बैठे। चल ठीक पहुँचता हूँ मैं। ला यार भाई दे मेरा वाला माल यार। मर जाओ तुम मरोगे तो ही मुझे मुक्ति मिलेगी। तुम मर जाओ तुम मरोगे तभी तो मुझे मुक्ति मिलेगी।
मैं जानता हूँ तुम गीत गाकर मुझे डराना चाह रहे हो ना। हीरे, ये मेरे रियाज का टाइम है। आया मैं सिंगर। एम नहीं बॉस, तुम तो भूत हो ना। भूत हूँ मगर सबसे पहले सिंगर पूरे खेल सब पे, या फिर ये बोलो कि सिंगिंग के वजह से भूत बन गया। समझा नहीं मैं। कुछ दिन पहले की बात है, मैं गीत कुमार गा गा कर एक सिंगर बनना चाहता था। मगर इस दुनिया में इतना नॉइस पॉल्यूशन है कि मुझको अभ्यास करने की जगह ही नहीं मिलती थी। एक दिन मेरी नजर इस खंडर पर पड़ी। मुझे लगा ये सही जगह है मेरे रियाज के लिए। मैं यहाँ रियाज कर ही रहा था कि अचानक एक नींबू मेरे पैर के नीचे आ गया। मैं इस टोटके के बारे में जानता था, अगर 24 घंटे में किसी और ने ये नींबू नहीं लांगा तो मेरी मृत्यु हो जाएगी और मैं इस नींबू में कैद रहूंगा। मैंने ये सोचकर ये नींबू एक सड़क पे डाल दिया कि कोई और इस टोटके में फंस जाए। मगर 24 घंटे में ऐसा ना हुआ और मैं मर गया और इस नींबू में फंस कर रह गया। तुम तो मर गए हो ना, मुझे मार के तुम्हें क्या फायदा होगा? तुम वापस जिंदा तो नहीं होगे ना? जिंदा तो नहीं होऊंगा, मगर तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारी आत्मा इस नींबू में कैद हो जाएगी और मुझे मुक्ति मिल जाएगी, क्योंकि तुम्हारा अब कोई मंत्र आयत मुझ पर काम नहीं करेगा। कोई चीज तुम पे असर करे या ना करे, लेकिन मैं जानता हूँ एक चीज तुम पर असर जरूर करेगी। श्री श्री टोनी कक्कर जी के गाने, क्योंकि तुम क्लासिकल सिंगर हो ना, अब वो तुम्हारे कान से ना खून निकाल कर तुम्हें भगा देंगे। चांदनी रात में गोरी के साथ में, चांदनी रात में गोरी के साथ में, आसमान में देखेंगे नगीने, धीमे 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 धीमे। आसिफ भाई, आप सही कह रहे थे, ये नींबू का टोटका सही है। अरे परेशान मत हो, हाँ तो अपन पता करते हैं बाबा बंगाल के पास कोई ना कोई तो इलाज होगा। कहाँ गया मेरा मोबाइल? मुझे माफ कर देना भाई, मुझे माफ कर देना, मुझे माफ कर देना। माफी क्यों? मुझे माफ कर देना भाई।
मुंह